अच्छा मुझे काइंडली ये बताइएगा उज़ैर कि क्या स्ट्रेस जैसे अभी आपने कहा है उसके लिए कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है, और आपका डिप्रेशन के लिए कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ होती है, और सेक्सुअल जो आपका हेल्थ होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और देर इज़ वन फॉर एवरीथिंग? देखें, पर्टिकुलरली जो वेट ट्रेनिंग आपकी होती है, जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं, दिस इज़ फॉर एवरीथिंग। आपने अपनी अपनी सेक्सुअल लाइफ अगर बेहतर करनी है तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। ठीक इट्स है, ऑल्सो एन एंटी एजिंग टूल। पीपल हु आर ओके, गेटिंग ओल्डर, लाइक ये जो जो अपने आपको 35 के बाद कहना है, जो कि शुरू कर देते हैं कि जी मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तक तो ये भी मैं साइकोलॉजिकली गलत चीज़ कहता हूँ, ये स्टेटमेंट ही गलत है। इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट कि आई एम गेटिंग ओल्डर। ओके, यू ऑलवेज थिंक दैट कि आई एम एजिंग जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग मोर स्ट्रेंथ। सो ए स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग करना, इट्स एन एंटी एजिंग टूल। इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन योर सेक्शुअल लाइफ, टू इम्प्रूव योर सेक्शुअल लाइफ, ठीक है ना। और जब आपने अपने स्ट्रेस लेवल को, जो हमारे कॉर्टिसोल होते हैं उनको अगर डाउन कंट्रोल करना, जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जैसा बेस्ट टूल है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। सो लिफ्टिंग, जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोलते हैं, दीज आर द बेस्ट थिंग जो अगर आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, आपने अपनी वेट लॉस को जर्नी को करना है। बाकी जो इसको है साइड पे चीज़ें, इसको असिस्ट करती हैं। आप साथ में थोड़ा बहुत कार्डियोवास्कुलर को भी फोकस करें डेली बेस के ऊपर, 15-20 मिनट कार्डियो करना, इट्स नॉट दैट बैड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्पफुल। एंड सेकेंडली, कभी कभी रिजीम को चेंज करने के लिए आप अपने आप को इंगेज करें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको हम डिफरेंट मूव्स में आती हैं, बट सम हाउ जो मदर ऑफ एवरी वन इज लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि लोगों के ये मिथ्स भी हैं कि जब आप जिम शुरू करते हैं शुरू शुरू में तो बहुत जल्दी और क्विकली आपको एक चेंज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, मे बी 2-3 वीक्स के अंदर चीज़ें शुरू हो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज शुरू हो जाता है, मगर द मोमेंट यू लीव द जिम और आप अपनी एक्सरसाइज जो हैं छोड़ देते हैं, आप वापस उसी तरह के अपने मसल्स के ऊपर आ जाते हैं, इज़ इट ट्रू और इट्स जस्ट अ मिथ? देखें डॉक्टर साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोग अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स। अच्छा, देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फिटनेस इज समथिंग एंड द बॉडी बिल्डिंग इज समथिंग। बॉडी बिल्डिंग में यू ओनली बिल्ड मसल, ठीक है ना, उसका फोकस, उसका फिटनेस का उससे ताल्लुक डिफरेंट तरह से चला जाता है, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट। बॉडी बिल्डर्स का देखोगे दे आर जाइंट, दे आर ह्यूज, बट पीपल हु आर इनटू फिटनेस दे आर फिट। They run well, they have good strength, they have good shape, they have good agility, they have good endurance. So उसमें multiple factors आ जाते हैं। So जो muscle होता है basically वो अपनी जगह पे, कहते हैं ना कि अगर आप जैसे ही बॉडी बिल्डिंग छोड़ेंगे या वेट लिफ्टिंग छोड़ेंगे, जिम जाना छोड़ेंगे, तो आपका मसल ढलक जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। देखिए ऑफकोर्स मसल होता है, जब उसको में स्ट्रेंथ रहती है तो वो अपनी स्ट्रेंथिंग पोजिशन में रहता है, जब उसको आप वीक छोड़ेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी डी शेप होगा। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, जितनी भी ऐसी बॉडी जो एस्थेटिकली डेवलप हुई हुई है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरली ऑर्गेनिक मील, ठीक है, ऑर्गेनिक डाइट के ऊपर, जिसमें स्टीरॉयड का फैक्टर कोई इन्वॉल्व नहीं है, दैट बॉडी विल सस्टेन एंड रिटेन द सेम शेप। ओके, उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे आप जिम छोड़ दें। हाँ, अगर आप जिम छोड़ते भी हैं तो मसल, आपकी शेप खराब नहीं होगी, ठीक है, जो शेप आपने डेवलप की है वो शेप खराब नहीं होगी, ठीक है। बट ऑफकोर्स मसल अपना, एक एज के साथ मसल ने अपने आप को लूज करना है, टेंडन लूज होगा, मसल में वीकनेस आएगी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपको समझता है कि आप योर एजिंग या आप 40-50 की तरफ जा रहे हैं, तो आप स्टार्ट लिफ्टिंग वेट, दैट्स द बेस्ट थिंग। आपका मसल कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। यानी वेट लिफ्टिंग जो है दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्प लड़कियों के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये लड़कों के लिए तो दे कैन वर्क रियली गुड, और लड़कियों की बात जब आती है तो हम उनके कहते हैं ये शोल्डर उनके बहुत ब्रॉडन हो जाएंगे, जो है उनकी बॉडी शेप जो बिल्कुल आदमियों जैसी हो जाएगी, ये कुछ इस तरह के मिथ्स हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि अच्छा जिम ज्वाइन कर लें, तो दे विल से कि अच्छा मैडम वो तो वेट लिफ्टिंग करते हुए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, व्हाट इज दैट एक्चुअली? आई टेल यू वन थिंग, अभी आपने वर्ड यूज़ किया था जब हम ऑफलाइन बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल का, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो हाई लेवल होते हैं, ठीक है, और औरतों में वो ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये मिथ, अगर ये ख्वातीन में है कि जी हम अगर वेट लिफ्ट करेंगे तो मसल बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उज़ैर यही एक मिनट के लिए रुको, जब हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कुछ फीमेल्स जिनके बाइसेप्स बने हुए होते, ट्राइसेप्स बने हुए होते हैं, और ये पीछे से भी उनके शोल्डर्स उसी तरह से मैनली, वो क्या है फिर? अच्छा, अब वो मैं उन्हीं ख्वातीन के ऊपर आता हूं, वो ख्वातीन अपने इंजेक्ट करती हैं हार्मोन्स, ओके, एंड देन दे गो फॉर लिफ्टिंग, ओके। सो वो अपनी इस चीज को अटेन करने के लिए कि उनकी मसल, बिकॉज फीमेल में भी वुमेन मसलमीनिया होता है, वुमेन ओलंपिक, मिस ओलंपिक का खिताब भी दिया जाता है, मिस वर्ल्ड का भी होता है, जो बॉडी बिल्डिंग में आते हैं वो दे प्रॉपरली कम्पीट, और उनके प्रॉपर मस्कुलर होते हैं, आपको ट्रैप्स नजर आते हैं, ट्राइसेप नजर आते हैं, शोल्डर, चेस्ट, थाइस, हर चीज नजर आती है, तो वो पहले अपने अंदर अपने
हार्मोनल को डिसबैलेंस करते हैं, डिसबैलेंस से मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज वो चेंज करते हैं अपने कुदरती निज़ाम को चेंज करते हैं और अपने आप को टेस्टोस्टेरोन लेवल दे के फिर अपने आप को बॉडी बिल्डिंग पे लेकर आते हैं, देन दे बिल्ड मसल। ओके, यानी जेनेटिकली फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं होते। सो दैट मींस कि जो एक्चुअल आपका हार्मोन आपका मसल बिल्ड कर रहा है दैट्स योर टेस्टोस्टेरोन, आइदर इट्स इन फीमेल और मेल, दैट इज द हार्मोन एक्चुअली व्हिच एक्चुअली डिफाइन योर मसल इम्प्रूवमेंट। तो वो मेल में जब आप वर्कआउट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपका हाई होता है, आपका मसल डेवलप होता है। फीमेल में वो नहीं होता, इसलिए आप वेट लिफ्टिंग कर ले तो आपका मसल स्ट्रेंथन करेगा लेकिन वो साइज और वो चीज नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली ठीक है।